वेलकम फोरम एम के, चले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज और प्राइवेट जो नर्सिंग कॉलेज है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, सर अगर हम जो नर्सिंग का कोर्स है अगर हम प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से कर लेते हैं तो क्या हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी क्या, ठीक है, और अगर हम गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से करते हैं तो क्या हमको यहाँ पर प्लेसमेंट मिलेगा क्या, जॉब में कोई सुविधा मिलेगी क्या, काफ़ी सारे सवाल थे। तो चलिए आज जान लेते हैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में क्या क्या डिफरेंस है। पूरा का पूरा बायोडाटा यहाँ पर अवेलेबल है, इसके लिए हमें वन बाय वन करके इनकी जो बेसिक जानकारी है, बेसिक डिटेल है, उनको समझना होगा। तो यहाँ पर चलिए स्क्रॉल डाउन हम कर लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा, उनको तो ए टू जेड जानकारी यहाँ पर मिल पाएगी। यहाँ पर फर्स्ट जो डिफरेंस है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में, वो है आपकी क्लिनिकल फैसिलिटी का। जैसे कि गवर्नमेंट जो नर्सिंग कॉलेज होता है वो आपको गुड क्लिनिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाते हैं, यानी कि जो सीखने की प्रैक्टिस है वो आपकी अच्छी उपलब्ध करवाता है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज। क्योंकि गवर्नमेंट जो नर्सिंग कॉलेज है उसके अटैच में क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, जहाँ पर आप सभी अच्छे से सीख सकते हो, जितनी भी इसके लिए डेवलपमेंट कर सकते हो। ये एक तो ये बेनिफिट है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज का। और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज का क्या बेनिफिट है, देखो गाइज, हर एक जो यहाँ पर है प्राइवेट का भी अपना एक फ़ायदा है और गवर्नमेंट का भी अपना एक फ़ायदा है। जैसा कि हमने अच्छा बेनिफिट दिखा यहाँ पर क्लिनिकल फैसिलिटी का गवर्नमेंट में, तो इसी प्रकार जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज होते हैं वहाँ पर आपको गुड बुक थ्योरी, अच्छी बुक थ्योरी मिल पाती है, कहाँ पर, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में। जबकि गवर्नमेंट में क्लिनिकल फैसिलिटीज़ जो होती है वो अच्छी होती है। नंबर थ्री, गवर्नमेंट कॉलेज प्रोवाइड हाई लेवल प्रैक्टिस एंड मैनी प्रैक्टिस। जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज होता है वो आपको हाई लेवल का प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस उपलब्ध करवाता है, जबकि प्राइवेट जो नर्सिंग कॉलेज होता है वो आपको रेगुलर क्लासें उपलब्ध करवाता है। क्योंकि थ्योरी में फोकस दिया जाएगा तो रेगुलर क्लासें आपकी हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप काफ़ी सारा फीस भरते हो प्राइवेट में, तो यहाँ पर आपके रेगुलर क्लासें होती है। अगला जो डिफरेंस है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज प्रोवाइड गुड गवर्नमेंट हॉस्पिटल लॉन्ग टाइम क्लिनिकल ड्यूटी आपको उपलब्ध करवाता है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, क्योंकि उनका खुद का अपना हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, तो आपको लंबे समय तक क्लिनिकल ड्यूटीज उपलब्ध करवाते हैं। अगला जो बेसिक डिफरेंस है कि जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है नॉट प्रोवाइड लॉन्ग टाइम क्लिनिकल ड्यूटी, यहाँ पर थ्योरी आपको ज़्यादा सिखाई जाएगी प्राइवेट में। अगला, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अवेलेबल, जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज होता है वहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं वो कंपटीशन का एग्ज़ाम फाइट करके आते हैं, तो इसलिए वहाँ पर इंटेलिजेंट स्टूडेंट आपको मिलेंगे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में, क्योंकि उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास किया है, तो वहाँ पर आपको ब्रिलियंट स्टूडेंट मिलेंगे। दूसरी ओर देखा जाए तो प्राइवेट जो नर्सिंग कॉलेज होते हैं वहाँ पर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, तो ऐसे में क्या है, वहाँ पर वीक स्टूडेंट आपको मिलेगा। जैसे कि कोई कमज़ोर स्टूडेंट है फिर भी वो जो डोनेशन दे के वहाँ पर एडमिशन ले लेता है, तो ये यहाँ पर अंतर हो जाता है गाइज। अगला जो डिफरेंस है वो है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गिव गवर्नमेंट फैसिलिटी लाइक प्री हॉस्टल। काफ़ी सारी सुविधाएं आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में मिलती है, जबकि प्राइवेट में इन सब का पैसा आपसे लिया जाता है। अगर आप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में कोई कोर्स कर रहे हो, जैसे कि बीएस नर्सिंग का हो गया, जेएनएम का हो गया या फिर एएनएम का हो गया, तो आपको फ्री हॉस्टल यहाँ पर दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आजकल तो लगभग सभी जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है या फिर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर फ्री हॉस्टल कर दिया गया है, तो ये आपको यहाँ पर सुविधाएँ मिल पाती है। और इसी के साथ साथ जो आप सीखते हो, जैसे कि इंजेक्शन लगाना, ड्रिप लगाना, सूचर लगाना, काफ़ी सारे काम होते हैं, रॉयल ट्यूब डालना, ये आपको गवर्नमेंट जो नर्सिंग कॉलेज के अटैच में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहाँ पर अच्छा आपको सिखाया जाता है। इसके अलावा और भी बेसिक डिफरेंस यहाँ पर हम देखेंगे, जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है टेक हाई लेवल फीस, आपसे अच्छी खासी फीस वसूल करता है। जैसे कि अगर मान लो कोई ऐसा प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पर एसी की सुविधा है, कूलिंग डक्ट लगे हुए हैं, डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं, तो आपकी फीस 90,000 के राउंड वहाँ पर रहने वाली है, नॉर्मल है तो 80 से 90,000 प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों में।
दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है प्रोवाइड गुड स्किल टेस्ट, ये आपके लिए, ये आपके अच्छे स्किल को डेवलपमेंट कर देते हैं। तो देखो गाइस, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा, उनको तो हर एक जानकारी मिल पाएगी। और नर्सिंग की तैयारी हम करवाए रहे हैं जेकलोन जॉब चैनल पे। इसी के साथ जो आपका डाउट है, सर क्या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में अगर हम पढ़ते हैं तो क्या हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? तो गाइस, जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना तो गवर्नमेंट मायने रखता है ना प्राइवेट। सभी को क्या देना है, कंपटीशन एग्ज़ाम आपको देना होता है, ठीक है? तो गवर्नमेंट जॉब तो आपकी लग जाएगी, चाहे आप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से कोर्स करो, चाहे आपके प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से आप कोर्स करो। गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आपको इंट्रांस, सॉरी, आपको कंपटीशन एग्ज़ाम देना होता है। क्या देना होता है? कंपटीशन एग्ज़ाम। तो जिसमें जो अच्छे नंबर लेके आएगा कंपटीशन एग्ज़ाम में, उसी का सिलेक्शन यहाँ पर हो पाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और रही बात प्लेसमेंट की, तो जो अच्छे अच्छे टॉप के कॉलेज है वही आपको प्लेसमेंट दिलाता है। प्लेसमेंट का मतलब आप जानते होंगे कि कोर्स होने के बाद डायरेक्ट जॉब, ठीक है, ताकि पैकेज आपको मिल सके सालाना लाखों में, वो होता है प्लेसमेंट, जो कि अधिकतर एम्स हो गया इन्हीं में मिलता है, और BHU हो गया, ठीक है, चिपमर हो गया, इन्हीं में मिल पाता है। और आप सभी को पता होगा कि इनमें नंबर बड़ी मुश्किल से आता है, एम्स में, चिपमर में, BHU में। बट अगर आप थोड़ा सा मेहनत करो ना गाइज, तो आराम से आपका भी हो सकता है, क्योंकि आप किसी से कमज़ोर नहीं हो, टैलेंटेड, क्योंकि हर एक यूनिक है गाइज। अच्छे से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बस इनकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, तो आप चाहे तो कोई सा भी नर्सिंग या फिर मेडिकल कॉलेज ले सकते हो, जहाँ पर आप नर्सिंग का कोई भी कोर्स कर सकते हो। अभी हम आपको दिखाएंगे तैयारी कहाँ से करनी है। बाकी ये जो मैंने आपको अंतर बताया, यहाँ पर आप देख लो कि गवर्नमेंट जो कॉलेज होता है वहाँ पर आपकी स्किल अच्छे से डेवलपमेंट हो पाती है, जबकि प्राइवेट जो नर्सिंग कॉलेज है वहाँ पर आपकी थ्योरी पर फोकस दिया जाता है। ये बेसिक अंतर आपको पता होना चाहिए। और रही बात स्कॉलरशिप की, छात्रवृत्ति की, तो देखो गवर्नमेंट जो नर्सिंग कॉलेज है वहाँ पर भी आपको छात्रवृत्ति मिलती है, और जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति वहाँ पर भी मिलती है, बस आपकी योग्यता पूरी होनी चाहिए, तो दोनों जगहों पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। हाँ, बट थोड़ा सा बड़ा अंतर ये है कि गवर्नमेंट जो नर्सिंग कॉलेज होते हैं वहाँ पर कम फीस में आपकी ये कोर्स हो जाता है, जबकि प्राइवेट में आपसे अच्छी खासी फीस ली जाती बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब रही बात तैयारी की, क्योंकि सभी का ड्रीम होता है कि हम गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लें, तो इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, और उसके लिए आपको बेसिक से तैयारी करनी होती है। गाइज, अगर आपके दिल में भी जुनून है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पाने का, तो आप जेकलोन जॉब चैनल से तैयारी कर सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके लिए एक और चैनल है GKMSQGMK, जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज तैयारी करवाई जाती है। तो दोनों चैनलों के लिंक नीचे दे रखे डिस्क्रिप्शन में, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो।